दूसरे आगे ने पे जूत मार के वालात में बांट दूंगा। मैंने कल भी तुम्हारे को समझाया था भाई यहाँ मत काम करो। तो हमको तो मालिक भेजा है, मालिक भेजा है तेरी गलत काम के लिए, चोरी के लिए मालिक भेजेगा तो फिर तू करेगा? गलत क्यों करेंगे? फिर यो गलत नहीं दिख रहा तुम्हें? गलत का है, गलत तो ठेकेदार को दिखना चाहिए और मालिक को दिखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अभी 24 न्यूज़। इस समय अशोका थिएटर जो कि पहले एक थिएटर हुआ करता था, लेकिन अभी यहां देख सकते हैं कि खाली प्लॉट है। और यहां पर एक किसी शिकायतकर्ता ने हमें बताया कि ये जो सामने आप देख सकते हैं, कुछ दिन पहले यहां काम चला हुआ था रोड को चौड़ा करने का, उसके बाद यहां पर बता रहे हैं कि जो जगह है उस पर जो है कब्जा जो है नाजायज यहाँ किया जा रहा है, जो कि हमारे साथ एक कंप्लेनेंट है और यहाँ पर पुलिस भी मौके पर मौजूद है सिविल लाइन से। तो यहाँ देख लीजिए, ये गारे की दीवार बनाकर जो है ये आगे की तरफ किया जा रहा है। बताया जा रहा था पहले, वैसे तो बाउंड्री यहाँ तक आती है, लेकिन बताया जा रहा है कि यहाँ तक पहले बाउंड्री थी और इसे भी बढ़ाकर अब यहाँ आगे तक कर दिया गया है। लेकिन क्या कुछ इसके अंदर है, एक बार बात करने का प्रयास करते हैं। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से हो? चरणजीत सिंह मेरा नाम है। हाँ जी, मैं करनाल से हूँ, दीवान कॉलोनी, ये मेरी वार्ड में पड़ता है। अच्छा। और मैं ये कह रहा हूँ ये नजायज कब्जा, यहाँ फुटपाथ था। हाँ। ये गारे की चुनाई इसीलिए कर रहे हैं कि इनको पता है ये गिरनी है। हाँ। इन्होंने तभी गारे की करी है। हाँ। वरना ये पक्की करते। सरकार से भी इनका रोड़ा चल रहा है, नगर निगम से भी चल रहा है, डीसी साहब से भी रोड़ा चल रहा है। ये कह रहे थे मैं आपको कागज दिखाऊंगा, आपकी तसल्ली करा के फिर गारे की चुनाई कराऊंगा, लेकिन ये फिर बिना कागज दिखाए चुनाई शुरू करवा रहे हैं। अच्छा। मैंने सिविल लाइन थाना में दरखास्त दे रखी है। हाँ। रमेश जी को SHO है दोस्त चार वाले। हाँ। तो उन्होंने रुकवा दिया था कल काम। अच्छा। आज वो कहीं गए हुए हैं, इन्होंने फिर शुरू करवा दिया और मैं मुंशी रमेश जी को लेके आया हूँ, अब इन्होंने चुनाई फिर रुकवा दी है। जब तक हमारी तसल्ली नहीं होगी ये फुटपाथ की जगह हम ये बनने नहीं देंगे। तो ये पहले कहाँ तक था? ये फुटपाथ था पहले सीधा, या ये यहाँ से? हाँ, यहाँ से, ये यहाँ से सीधा फुटपाथ था। वो येलो द्वार जा रही है वो। हाँ, इनकी बस वहाँ तक था, वहाँ तक था। हाँ। तो ये अभी कितने दिन हो गए इसको ऐसे शुरू हुए? ये इन्होंने संडे को करवाई है कि ऑफिस दफ्तर बंद होंगे। हाँ। संडे को हमारी कोई इनकी कोई किसी की कंप्लेंट नहीं लेंगे, तो इन्होंने संडे को करवाई चुनवाई। जी। तो सर यहाँ पहुँचे हैं, क्या आपको शिकायत मिली थी? ऐसा है, हमारे पास जो है ना भाई साहब गए थे मेरे पास भाई, अब ये दो कर रहे हैं निर्माण और मैंने इनको रोक दिया है, और इस बात के बारे में अब से अपने जो है ना ऊंच अधिकारियों से वो करेंगे बात को। तो जैसे अभी इनका कोई नक्शा वगैरह देखा जाएगा ऐसा ना, यही तो पहले फुटपाथ था, ये तो आपने पता है, सबने पता, पूरी करनाल ने पता है, फुटपाथ को घेरा हुआ है इन्होंने फुटपाथ को घेरा है। ये तो फुटपाथ पहले भी था, ये तो पूरी करनाल जानती है। फुटपाथ पे कब्जा हो गया? हाँ, फुटपाथ पे कब्जा किया है, दो तीन तीन फुट के, चार फुट के करीब कब्जा किया है। हाँ, हाँ। तो रोक दिया है। तो, और तो कल भी काम रुकवाया था? कल भी रुकवा था, आज फिर लग गई, आज फिर शुरू हो गया। हाँ। दरख्वास्त आई थी आपके पास इनकी तरफ से? तो मैंने दरख्वास्त के बारे में मुझे पता नहीं है, मेरे पास अभी ये गया था, मैंने अभी रुकवा दिया है, आके रुकवा दिया है। हाँ जी 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 जी। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि ये जो दीवार आपको दिखा दें, अगर आम जी 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 बताइए जी, ये सीधा वहाँ थी, ये सीधा होना चाहिए वैसे मतलब तो में, हाँ यही था नुकानू था दीवार के हिसाब से, तो आप ये देख लो आप। हाँ। तो पहले उस फुटपाथ पे कब्जा था, आगे के भी हो गए हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये दीवार जो सीधी इस थिएटर से जा रही है, तो इसे बिल्कुल सीधा होना चाहिए, लेकिन आप समझ लीजिए कि इसके अंदर ज़्यादा नहीं तो कम से कम भी 50 गज के आसपास ऐसी जगह है, 50 से 60 गज के आसपास ऐसी जगह है जिस पर कब्जा जो है वो हुआ पड़ा है। लेकिन यहाँ पर जो है दरख्वास्त एक व्यक्ति जिनसे हमने बात करी उन्होंने दी, और उसकी जानकारी भी हमें उन्होंने दी है, और यहाँ पहुँचे हैं मौके पर। और आप देख सकते हैं कि गारे की दीवार फिलहाल बनाई जा रही है, इसे सीमेंटेड नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ये फिलहाल शायद कुछ ना कुछ ऐसा आभास होता है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि गारे की दीवार क्यों बनाई जा रही है। लेकिन यहाँ पर यही कहना चाहेंगे, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और पिछले दिनों भी जो है कुछ जैसे काम यहाँ पर चल रहा था, आप देख सकते हैं सड़क को चौड़ा किया गया है, क्योंकि पहले काफ़ी ज़्यादा व्हीकल्स जो है अब यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उन्हीं दिनों के अंदर अब दोबारा से, क्योंकि पहले जो थी दीवार कुछ पहले भी आगे थी, अब और आगे कर दिया गया जब काम यहाँ का जारी हुआ था। और आपसे प्लीज़ इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, और फिलहाल जो है यहाँ पर बात करने की कोशिश जो है करते हैं एक बार, और यही कहना चाहेंगे इस वीडियो को जितना हो सके शेयर ज़रूर करें। तो एक बार बात करने की कोशिश करते हैं, शायद आभास होता है कि ये ठेकेदार है। आपके अंदर है कॉन्ट्रैक्ट है ये? नहीं सर, मैं गार्ड हूँ यहाँ पे, सिक्योरिटी गार्ड। आप सिक्योरिटी गार्ड है यहाँ पे? हाँ। जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार है। तो ये
जो यहाँ पर बता रहे हैं ये जो सारा काम चल रहा है ये कैसे? मैं 5 दिन के बाद आया हूँ सर, मैं छुट्टी पे था। छुट्टी पे थे आप? हाँ, मुझे पता नहीं, मुझे आज ही पता लगा इसके बारे में। ये फुटपाथ कितना बड़ा है? हाँ जी, फुटपाथ कितना आगे तक? नहीं, मुझे नहीं पता इस बारे में। 5 दिन पहले फुटपाथ था? नहीं, फुटपाथ तो नहीं था यहाँ पर। और क्या था? मेरा खाली थी यहाँ पर, जो ये निकली हुई है ऐसे ही था बस। बाकी देखो सीधी जा रही है, बिल्कुल जी जी, ये सीधी जा रही है। तो ये आप देख लीजिए एक बार, आपको ये दीवार ज़रूर दिखाते हैं, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे इस दीवार की तरफ से अगर खड़े होते हैं तो आप देख लीजिए कि कितनी जगह आगे की तरफ आई हुई है। एक बार आप ध्यान से देख लीजिए कि लगभग 50-60 गज के आसपास जो जगह है वो अगर आप इस दीवार की तरफ से लगाएं तो इतनी आगे आ चुकी है। पहले यहाँ तक ये दीवार को बढ़ा दिया गया था उस जगह से, और अब लगभग 2 से 2.5 फीट जगह और जो है चौड़ी उसको जो है यहाँ पर कब्जे में लिया जा रहा है। और फिलहाल अगर दूसरे आगे ना जूत मारेगा वाला तो मैं बांट दूंगा। मैंने कल भी तुम्हारे को समझाया था भाई, यहाँ मत काम करो। तो हमको तो मालिक भेजा है, मालिक भेजा है तेरी गलत काम के लिए, चोरी के लिए मालिक भेजेगा तो फिर तू करेगा? गलत क्यों करेंगे? फिर यो गलत नहीं दिख रहा तुम्हें? गलत का है, गलत तो ठेकेदार को दिखना चाहिए और मालिक को दिखना चाहिए। मालिक जब पता ही है कि जगह अधिग्रहण किया जा रहा है बेवजह का, काम नहीं करना चाहिए ना वहाँ पे? काम करने वाले ने बिठा देंगे वहाँ। मैं तो रुक गया, तुम गरीब आदमी हो, हम तो गरीब आदमी, काम नहीं करेंगे। आप कहोगे तो हम रुक जाएंगे। हमें हम गलत काम नहीं करेंगे, मालिक कहे तब भी नहीं करना गलत काम। चलो ठीक है, ना करेंगे। मान ले मेरे से चोटू का देश गोली मार दे, मैं मार दूंगा। नहीं, मैंने बैठ चोट रखी है। नहीं, सुनो, मालिक अगर बोलेगा कि गला काट दो, काट दो किसी का? नहीं, गला कैसे काट देंगे आपको? नहीं, नहीं, किसी कुछ नहीं कर सकते। आप भी ऑर्डर करोगे जब भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर एक बार बात करने की कोशिश करते हैं जी। अब आगे का क्या सोचा है कि जिस तरीके से काम तो अभी रुका हुआ, अभी आगे किस तरीके से? इनके मन में चोर है, इसीलिए ये गारे की चुनवाई करा रहे हैं, ये दीवार गिरनी है, ये नजायज कब्जा कर रहे हैं। ये देख लो सारा सीधा है, ये फुटपाथ बिल्कुल सीधा था, इन्होंने जगह डाल ली। ये मैं बार बार आपको यही कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं हमारा नगर निगम से भी रोड़ा चल रहा है, डीसी साहब से भी रोड़ा चल रहा है। हाँ हाँ, गवर्नमेंट ने इनकी दीवार गिराई थी, अब ये फिर नजायज कब्जा कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। सारी फुटपाथ ये टाइले उतार, ये देख लीजिए, ये वही टाइले हैं, ये वही टाइले हैं उसी फुटपाथ की। आप देख सकते हैं कि ये लगाई गई थी, सीमेंट देख ली इन पे अभी भी लगा हुआ है, यानी इन्हें उखाड़ा गया है और इसके बाद जो है ये आगे का काम जारी किया गया है। तो यहाँ पर जो है यही कहना चाहेंगे कि इस तरीके से नगर निगम के अगर नज़र में ये मामला था तो ऐसे में कैसे जो है ये कब्ज़ा हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल ज़रूर है। कौन कौन है इनके बीच, ये भी जानना ज़रूरी है। लेकिन फ़िलहाल आपसे यही कहेंगे, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और फिलहाल अभी आगे जो है काम को अभी अभी रुकवा दिया गया है। अब देख लीजिए कि अभी अभी पुलिस प्रशासन से जो पहुंचे थे उन्होंने साफ तौर पर मजदूरों को यहां से रोक दिया है। अब देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जगह, ये देख लीजिए कितनी ज़्यादा जगह है। आपको बता दें इस जगह की कीमत करोड़ों में बनती है अगर हम इस जगह की कीमत लगाते हैं। तो यही कहना चाहेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और फिर से जुड़ेंगे Abin24 के ऊपर, इस बारे में आपको अपडेट भी देते रहेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।